तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठा था इसको प्रैंक करने के लिए, इस वजह से मुझे तो भूख लगी थी पर ये बहुत गुस्से में थी। इसी होटल के ये वाले चप्पल पहन के ब्रेकफास्ट करने के तो चले गए, पर रास्ते में देखा तो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे, प्लस मुझे लोग घूर रहे ऐसा लग रहा था। रेस्टोरेंट में पहुंचे तो देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ तो छोड़ो 20 मिनट की वेटिंग थी। खाने की खुशबू आ रही थी तो और भूख लग रही थी। 15 मिनट के बाद हमको टेबल तो मिल गया, पर यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बहुत ही ज्यादा ऑप्शन थे, मतलब देसी से लेके विदेशी तक। पर हमारा पेट तो भाई देसी नाश्ते से ही भरता है। नाश्ता तो बहुत ही अमेजिंग था, पर मैं जब तक फोन पे लगा हुआ था अंकिता चाय गली वाले काउंटर से जाकर पता नहीं कुछ चीजें ले आई चाय के साथ, जिसमें से मैंने ये उठाया, मुझे ऐसा लगा इस पर जॉनसन बेबी पाउडर के लगाया। मैंने उसको पूछा तो बोलती है शुगर है, जैसे मेरे को तो पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने उसको ट्राई किया, ठीक ठाक था। काफी देर से ऑर्डर किया हुआ, मेरा फाइनल डोसा हो गया। मैंने उसको बोला शेयर कर, मुझसे मना कर दिया। तो मैंने बोला फाइन ठीक है, तो फिर तेरे को पूरा खाना पड़ेगा। फाइनली वो आधा खाने के लिए मान गई। भाई सीख जाओ कुछ, लिफ्ट का कोई भी बटन दबाओ, देखना पड़ता है कौन सी वाली खुलेगी। मैं बता रहा था कि नाश्ता करने में मजा आई और ये अभी भी बहुत आलस में थी। और ये यहाँ पर इसको देखो भाई, बैग पे चढ़ चढ़ के सामान की पैकिंग कर रही है। मैं प्राउड भी था और कंफ्यूज भी था, इतनी सी बैग में इतना सारा सामान भर कैसे दिया। खिड़की के बाहर ये तिरंगा देख के इतनी खुशी हुई कि हमने ड्रामेटिक सैल्यूट दे दिया। रूम को बाय बोल के निकल रहे थे, पता चला कि भाई इसने सामान तो भरते पर बैग बहुत ज्यादा हेवी हो गई थी। हम चेकआउट करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, फॉलोइंग वीडियोस।